और मम्मी ने कहा है कि फाइनल हम मेरे घर पे देख सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी होगा। ये कितना मजा आएगा। ये एश्टन एथलेटिक, एश्टन एथलेटिक, एश्टन एथलेटिक। हेनरी, याद है ना सैटरडे को तुम्हें स्टीव की बर्थडे पार्टी में जाना है? पर सैटरडे को तो फाइनल्स है ना। पता है, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ। हम शाम को रूबी आंटी के यहाँ जाएंगे। पर मम्मी, याद रखो हेनरी, हम पार्टी में जाएंगे। फाइनल के लिए एक्साइटेड होना हेनरी। क्या? हाँ। मेरे मम्मी डैडी ने मेरे लिए एक नया बड़ा सा टीवी खरीद लिया, तो अब हम सब कुछ हाई डेफिनेशन में देखेंगे। हाँ, सब कुछ हाई डेफिनेशन में। तू तो अपने उसी पुराने से टीवी पर देखेगा ना हेनरी? हाँ, शायद। ओह हाँ, और हम एक बड़ा स्पेशल केक भी मंगा रहे हैं, फुटबॉल शेप वाला। ओह कूल। लो हेनरी, रूबी आंटी के घर में भी केक होगा। बचाओ! मामा, बचाओ! सॉरी हेनरी, गोल मिस किया। लगता है मेरा टाइम ही बुरा चल रहा है। उस घटिया पार्टी को भी फाइनल्स के टाइम पर ही होना था क्या? आइडिया, नाश्ता खाने का टाइम। हेलो, मैं रूबी बोल रही हूँ। हाँ, हेलो, मैं प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। बस आपको ये बताना था कि वक्त बदल रहा है, इसलिए शनिवार को चाय नाश्ते का टाइम 3 घंटे बाद का होगा। सॉरी, क्या कहा आपने? कौन है आप? कोई है फोन पर जो कह रहा है कि सैटरडे को नाश्ता 3 घंटे लेट करना होगा। अच्छा जोक था हेनरी। सैटरडे को मिलते हैं। जल्दी करो हेनरी, हमें अब निकलना होगा, समझे? मम्मी, मैं नहीं आ सकता, बुखार से बदन तप रहा है। हेनरी, तुम्हारा ये फुटबॉल का बुखार मैं अभी उतारती हूँ। 10 मिनट में तैयार हो जाओ, वरना इसी हालत में उठाकर ले जाऊंगी तुम्हें। पर थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ओ, क्या कहा आपने रूबी आंटी? अरे पार्टी कैंसिल हो गई। नो प्रॉब्लम, मैं मम्मी और डैडी को बता दूंगा। 20 सेकंड में बाहर नहीं मिले तो थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। हेनरी, कहाँ चले गए? हेनरी। ओहो, ये मैप कहाँ रखा है? कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज है। आप सिर्फ लाल पत्ती को फॉलो करते रहिए। ये गलत है। ओ प्लीज, मुझे रात के घर छोड़ दो, प्लीज 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 प्लीज। नहीं हेनरी, तुम स्टीव को गिफ्ट दे देना, शायद इससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। चुप रह कीड़े, वरना तुझे भी इस डिब्बे में बंद कर दूंगा। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। रोको। क्या हुआ हेनरी? गाड़ी में बैठो हेनरी। मुझे पॉटी आई है। स्टीव के घर पर बाथरूम है। पॉटी आई है, चड्डी में हो गई तो। हेनरी, हो गया। बहुत टाइम लगेगा डैड। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं। बहुत टाइट है, खुल क्यों नहीं रहा है? लगता है ये लॉक हो गया है। आप लोगों को मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। दिमाग खराब मत करो हेनरी, दरवाजा खोलो। नहीं हेनरी, तुम्हें अभी इसी वक्त वहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना तुम्हारे सारे खिलौने दान में दे दूंगा और पूरी जिंदगी तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है डैडी। हाय रूबी। आप सबका स्वागत है, आइए आइए। हाँ, हेनरी गिफ्ट खोलने में मेरी मदद करेगा। कितने सारे मिले हैं। अच्छी बात है। अच्छा रूबी आंटी, मैं क्या फुटबॉल फाइनल्स देख सकता हूँ प्लीज? क्यों नहीं। ओह आंटी रूबी, मैं सबके लिए इस कॉमेडी फिल्म की डीवीडी लाया हूँ। ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है पीटर, नाश्ते के बाद जरूर देखेंगे। घटिया कीड़े। हेनरी। ओह चलिए, सब लोग मिलकर हॉल में आराम से बैठते हैं। मैं आपको मेरा नया सोफा दिखाती हूँ। सोफे पे कौन बैठना चाहता है रूबी आंटी? यहाँ टीवी नहीं है। ओह यहाँ पे भी नहीं। अब ये है फ्री किक, लेकिन गोलकीपर ने क्या। बस। ओ प्लीज देखने दो ना, 1 मिनट के लिए। तुम्हें जोर का थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। चुपचाप नीचे चलो अभी। ओह ये छोटा सा म्यूजिक सिस्टम, मेरे पास ऐसे 5 पहले से हैं। और ये गंदा सा वॉकी टॉकी, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है? मम्मी अब मैं आपका गिफ्ट खोल रहा हूँ, ये तो सबसे बड़ा वाला है। हेलो ब्रायन, मैं हेनरी, मुझे मदद चाहिए। नो प्रॉब्लम हेनरी, सबसे पहले उसकी बैटरीज निकाल दो। खोल दिया। अब वहाँ एक नीले रंग की वायर होगी। हेनरी, हेनरी कहाँ हो तुम? जल्दी करो, मम आ रही है। हेनरी, हो गया। ओके हेनरी, अब बस बैटरी वापस डाल दे और तेरा काम हो गया। और इसी के साथ एश्टन एथलेटिक ने सब्स्टिट्यूट भेज दिया है। ओह कूल, थैंक्स ब्रायन। ओह सॉरी मम्मी, मैं घूम गया था। अच्छा, वाह वाह, सब तुम्हारा डाइनिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। अभी तक स्कोर 0-0 ही है, बस कुछ ही पलों में पता चल जाएगा। हाँ, कितना अच्छा लगता है हम सब एक साथ हैं, बिना किसी परेशानी के। और अब बॉल गया है मैग्नल बच्चों मैं क्या लाई हूँ। और ये निकला एक और डिफेंडर को पास करके बस गोलकीपर से बच जाए। Woo-hoo! I'll get you, Henry! Jaldi utho, chalo brush karo, doodh piyo, tang mat karo, subah shaam mummy papa keh rahe, ab bas karo Henry. Kehne do jo bhi kehte rahe, main karu jo man chahe. बस करो हेनरी, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे, अब बस करो हेनरी। तो क्या तुम तैयार हो पार्टी के लिए मेरे बर्थडे बॉय? हाँ मॉम, कितना मजा आएगा, हम गेम्स खेलेंगे, डांस करेंगे। और जोकर का शो भूल गए? अरे हाँ, जोकर का शो। जोकर, तू ही सबसे बड़ा जोकर है। आज के दिन तो चुप रहो हेनरी। अगर आज लल्लू का बर्थडे है तो मुझे क्यों ना आना पड़ रहा है? चलो पीटर बाहर जाओ, तुम्हारे दोस्त आते ही होंगे। ये। और मैं जा रही हूँ बर्थडे केक सजाने के लिए। केक? इंतजार नहीं कर सकता। मैंने रैल्फ को भी बुलाया है। यस। पर तुम दोनों ने एक भी बदमाशी की तो याद रखना। ठीक है मॉम। ओके, क्यों ना कीड़े के बर्थडे के दिन कुछ स्पेशल हो जाए। मेरे पार्टी में ना बहुत मजा आएगा, हम लोग बहुत मजा करेंगे, आपको पता है। ओके रेडी, कूदो। अब आएगा मजा। सैम, डैड, यप्पी। हैप्पी बर्थडे बेटा। यप्पी यप्पी यप्पी। जोकर कहाँ चला जा रहा है? हमने दूसरा जोकर ढूंढ लिया है। हाँ, और वो जोकर तू है ना छोटू? हट जा मेरे रास्ते से। फेवरेट टीवी प्रोग्राम छोड़कर आई हूँ इस फालतू पार्टी के लिए। आइसक्रीम होगी तो अच्छा होगा। वाह, वो देखो कितना कितना टेस्टी होगा ना। ये मेरा है। केक जोकर के शो के बाद ही मिलेगा। आइसक्रीम कहाँ है? हेनरी, क्या तुमने पीटर के लिए बर्थडे प्रेजेंट लिया? है ना, ऊपर रखा है मैंने। थैंक यू गॉर्डन। ओह मम्मी देखो, मुझे टॉर्च मिला है जो रात को बुक्स पढ़ने के लिए है। एक हाथ से बने हुए मफलर्स और एक बहुत बड़ी मोटी सी बुक और गायब होने वाले चॉकलेट्स जो मार्गरेट ने दी है। गायब होने वाले चॉकलेट्स? हाँ, क्योंकि वो सारे गायब हो गए। मजा आएगा जब लल्लू इसे खोलेगा। पड़ेगा जोर से। अब सब बच्चों अंदर चलो, जोकर अपना शो शुरू करने वाला है। एक और बदमाशी करोगे तो तुम दोनों का केक कैंसिल हो जाएगा। केक कैंसिल? हाँ, केक नहीं मिलेगा। अब चलो अंदर सबके साथ। नौटंकी जल्दी से खत्म हो जाए। हेलो बच्चों, मैं हूँ कॉलिन जोकर। तो बर्थडे बॉय कहाँ है? वो क्या है? ये एक शेर है। जल्दी दूर करो उसे, मुझे शेर पसंद नहीं है। क्यों, क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि मुझे शेर से डर लगता है। तो चलो, अब वक्त हो गया है जादू दिखाने का। वेरी गुड, चलो केक खाएं। ये जल्दी क्यों नहीं करता? मुझे केक खाना है। अब बच्चों हो जाओ तैयार, देखने के लिए गायब होने वाला दूध। दूध गायब हो गया। टेंशन मत ले यार, ये रहा तेरा दूध। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। लेकिन मॉम, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों तैयार हो जाओ गायब होने वाले केले के लिए। होगा कुछ अजब जब होगा ये केला गायब। कोई बताएगा केला कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर है। मॉम, अब तो केक खा सकता हूँ। एक बार और बोला तो थप्पड़ पड़ेगा। हेनरी तुम बहुत होशियार हो। अगली मैजिक ट्रिक में तुम मेरे असिस्टेंट क्यों नहीं बनते हैं? क्या? गायब होने वाले इस बॉक्स के साथ। तो बच्चों इस वक्त मैं होशियार लड़के को गायब करने जा रहा हूँ। देखिए, जल्दी करो, जल्दी करो, मजा आएगा। अंदर जाओ हेनरी। ठीक है, केक के लिए कुछ भी करूँगा मैं। अड़कम दड़कम दोम धड़ाका। क्या मस्कट है हेनरी? हाँ, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर से करते हैं। तरफे तर समरू ढारो। आखिरी बार करके देखते हैं। इंगली पिंगली पो। एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, शो फिर से चालू होगा एक ब्रेक के बाद। नहीं, ऐसा ही चलता रहा तो केक कब खाएंगे? देखा तुमने, उसे शेर बिल्कुल पसंद नहीं है। आइडिया, बर्थडे शेर। बच्चों सैंडविच खाने के लिए आ जाओ। ओह मामा, कितना मजा आ रहा है। और याद रखना, केक को हाथ पे लगाया तो टांगे तोड़ दूंगी। तुम पे स्कर्ट बहुत जचता है हेनरी। चुप बैठ सड़ेली। चाबी के बिना वो कैसे छूट पाएगा? चलो बच्चों जल्दी अंदर बैठो, शो शुरू ही होने वाला है। मैंने अपना काम कर दिया, तूने तेरा किया। हाँ, जैसा कि तूने कहा था वैसे ही। हेलो बच्चों, मैं हूँ जादूगर कॉलिन। मुझे कैद करना नामुमकिन है। तो इस महान जादूगर को कौन हथकड़ी पहनाएगा? मैं, क्योंकि मेरा आज बर्थडे है। हथकड़ी तुमने है पहनाई। लेकिन बच्चों फिक्र मत करो, क्योंकि कोई नहीं है कठिनाई। तो गिनती शुरू करो। 12, 11, 10, 9, 8, क्या बात है मॉम? एक जानवर जू से भाग गया है, यहाँ आ रहा है। क्या एक शेर? नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ो। वाह, वो शेर है। बोला था ना मजा आएगा। अब सारा केक हम खाएंगे। और शेर कहाँ है? मैंने उसे भगा दिया। ये किस तरह का शोर था? सब लोग कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता। अब तो हम केक खा सकते हैं। हाँ, तुम खा सकते हो। मैं खाऊंगा। Woo-hoo! I'll get you, Henry! जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह रहे अब बस करो Henry। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो Henry। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो Henry। वाह! मार्गरेट, हमेशा तेरे ही रूल्स चलेंगे क्या? हाँ चलेंगे, क्योंकि तुम सब बुद्धू हो। बड़ी आई होशियार कहीं की। तू चुप कर। अच्छा, तू समझती क्या है खुद को? हाँ, महारानी, सबसे बड़ा गधा। जिस दिन मैं राजा बनूंगा ना, उस दिन तू तो गई। तू शक्ल देखी है कभी आईने में? झुको, सब मेरे सामने झुको। क्वीन मार्गरेट की जय हो, जय हो, जय हो। खबरदार मार्गरेट। देखो तो सर Henry, हमारे सपना के राजकुमार आ गए। मेरे गॉड, रानी को बंदी बना दो। नहीं नहीं नहीं, दूर हटो, मैं यहाँ की रानी हूँ। बड़ी आई, तेरी रूल्स चलाने की बारी खत्म। इसे जेल में बंद कर दो। ये गलत है, ये चीटिंग है। दुष्ट रानी का राज खत्म हुआ। हुर्रे! जश्न की तैयारी शुरू करो, नया राजा आ गया है। आज से शुरू होता है एक नया दौर, एक भयानक दौर। और मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि राजकुमार Ralph मेरा खास मंत्री होगा। ओह, बहुत बढ़िया, थैंक्स Henry। तो अब सुनो मेरे नए रूल्स, मतलब मेरे ऑर्डर्स। आज से सभी टीचर्स मेरे किचन फैक्ट्री में काम करेंगे। अगर किसी ने सब्जियों के बारे में सोचा भी तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, समझे? मामा! और सब्जी वालों का यही हाल होगा। यस, बोलो क्या कहना है भोंदू बर्ट? ऐसा क्यों Henry? महाराज Henry, मुझे आपकी जनता ने यहाँ भेजा है। पहले झुक कर सलाम करो और जोर से बोलो। लेकिन खाना नहीं खाया क्या? नया रूल है, चिल्ला कर बोलो। ठीक है, लोग आपके नए रूल से बहुत परेशान हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है एक राजा के रूल्स ना मानने की? पर मैं तो सिर्फ लोगों की। बंद कर दो इसे। थप्पड़ पड़ेगा Henry। मैं अपना काम कर रहा हूँ। और चिप्स चाहिए। और चिप्स लेके आओ महाराज के लिए। चिप्स ले आओ। अब और चिप्स नहीं मिलेंगे हेनरी, अब सोने का वक्त हो गया है। एक मिनट, तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है? मैं राजा हूँ और आज से कभी नहीं सोऊंगा। पर हेनरी, और तुम्हें मैं इस महल के जेल में रख दूंगा। हाँ, जेल में। इसे जेल में भेज दो अभी, हमेशा के लिए। बस करो हेनरी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, महल के खिलौने वालों को बुलाओ अभी। अब आएगा मजा। समय आ गया है सबसे बड़ी कीचड़ पिचकारी बनाने का। एक ऐसी कीचड़ पिचकारी जो दुश्मनों का बैंड बजाएगी हमेशा के लिए। इससे मुझे कभी कोई नहीं हरा पाएगा। ठीक है, पर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता ये काम करेगी। क्या महाराज? बात ऐसे है कि इसके अंदर इतना कीचड़ होगा तो ये इसका भार नहीं संभाल पाएगी। क्या तुझे भी जेल जाना है? नहीं 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 महाराज, मैं तो बुद्ध हूँ, आप सही हो, मैं इसे बनाऊंगा। राजा बनके कितना कूल लगता है। हेनरी, हमें इसी वक्त छोड़ दो। चुप रहो, नहीं तो सिर्फ ब्रेड और पानी मिलेगा, समझे? पर हमें वही तो मिल रहा है। चुप कर और राजा के सामने झुककर बात कर। पर तू तो झुक ही नहीं सकता। दोस्त, महारानी मार्गरेट अब मानेगी ना मुझे सबसे कूल और हैंडसम और होशियार? हाँ बोल। नहीं, तेरे जैसा लल्लू कहीं नहीं है। और ये मुझे बहुत परेशान भी करता है। कोई ज्यादा बकबक करते तो क्या करते हैं? कान बंद करते हैं, सुनते हैं। चुप, सुनते नहीं, चुप कराते हैं। पक गया हूँ मैं, मुझे मजा करना है। क्यों ना हम कुछ करें, क्या कहते हो? मामा, लड़ाई। तू लेगी हिस्सा इसमें? हाँ। तुम पछताओगे हेनरी। लोगों, स्वागत है सुपर लड़ाई में। मेरे लेफ्ट में है खूंखार खतरनाक काला शैतान, और काले शैतान का सामना करेगी मार्गरेट। महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर मार्गरेट जीत गई तो? मैंने सुन लिया। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे सवाल करे? नहीं, पर मैं गुड। तो अब लड़ाई शुरू करो। नहीं, ये क्या बकवास है? तुझे इसी वक्त जेल में भेजता हूँ, और तुम सबको भी। चले जाओ सबके साथ। गुड। रैल्फ, मुझे भूख लग गई है। ये क्या मजाक है? राजा के चिप्स कहाँ है? आपने तो सबको जंगल में भेज दिया है। चिप्स कौन बनाएगा महाराज? मोटू ग्राहम, तुझे खाना पसंद है ना, तो अब से तू बनाएगा भी। तू है हमारा नया शेफ। वाव, थैंक्स हेनरी। मेरा मतलब है थैंक्स महाराज। अब जा और चिप्स बना। मैं अभी आया महाराज। और जल्दी करो। आपके चिप्स महाराज। खाना बनाना नहीं आता क्या? सिर्फ खाना खाना आता है महाराज। इसे शेफ बनाने का बेकार आइडिया किसका था? मेरा। बहुत ही अच्छा आइडिया था महाराज। तू भी जा जेल में। पर बोल बर्ट, मेरी जय हो। ऐसा क्यों? अच्छा, तो तू भी जेल में जा। हेनरी, गार्ड्स, इन्हें ले जाओ। लेकिन हम ही तो गार्ड्स हैं। तो फिर खुद चले जाओ अभी के अभी। क्या क्या बात है? वाह, अब तुझे कोई नहीं हरा सकता हेनरी। पता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था महाराज, मुझे नहीं लगता ये पिचकारी किसी का बैंड बजा सकती है। हेनरी, क्यों ना एक बार इसकी बात सुन ले। तुम दोनों भी ठीक है, तू जाएगा जेल में। पर महाराज। और तू भी जाएगा जेल में। अब क्या? दफा हो जाए यहाँ से। मामा? नहीं नहीं, मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ और फिर हमें मार्गरेट को ढूंढना होगा। पता है वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या चाहिए तुझे? हेनरी पूरी तरह से पागल होने वाला है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। जैसे क्या? मार्गरेट, तुम ही हो जो हेनरी का कुछ कर पाओगी। महाराज हेनरी, वो लोग आ रहे हैं, अपने आप को बचा लीजिए। मेरा अपना दोस्त राज, ये भी तुम अब नहीं बचोगे हेनरी। तुम लोग तो गए बच्चू, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये लो, मैं हूँ राजा हेनरी। राजा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। कोई नहीं हरा सकता। क्या बकवास कर रहे हो? हैं? मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? तू हेनरी है। इस वक्त तू स्कूल में है और मार्गरेट के साथ झगड़ रहा है। ओह हाँ, मुझे एक बहुत ही बड़ा भयानक सपना आया था जिसमें बहुत टमाटोस हेनरी। Hey!